मैं जाती हूँ, बाय। बेबी तुमने भेल वाले के लिए मुझे छोड़ा? भाई सुन, पहला फ्री का ज्ञान, कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, जैसा कि सभी क्रिंज वीडियोस में अभी तक होता आ रहा है। सही छोड़ा था, तुम्हारी यही औकात है। अबे ओ, तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ कितने कमाता है? ये जरूर 50 से 60 हजार रुपए महीना तो कमाता ही होगा, या फिर दिन का। मैं 40 हजार रुपए महीने का कमाता हूँ, समझे? तू कितने कमाता है? मैं 30 हजार कमाता हूँ। महीने का 30 हजार? महीने का नहीं, एक दिन का। भाई अगर झूठ बोल ही रहा है तो थोड़ा ढंग का बोल लेना। अगर मैं तेरी ये भेलपूरी की दुकान ठेले समेत बेचूंगा ना, तो भी कोई 500 से ज्यादा नहीं देगा। अबे इतना ही नहीं, वो सामने खड़ी मर्सिडीज देख रहा है, वो भी मेरी है। हाँ भाई, अगर वो सामने तेरी मर्सिडीज खड़ी है तो तूने अपने हाथ में हुंडई की चाबी क्यों लटका रखी है? इनकम टैक्स से हूँ, मुझे यही पता करना था। बधाई हो, आपके यहाँ छापा पड़ चुका है। भाई अगर तू इनकम टैक्स से है ना, तो तू फिर ये नीलम साड़ी सेंटर के कार्ड क्यों दिखा रहा है? इससे अच्छा होता अपना आधार कार्ड ही दिखा देता। अक्षय, ये वही लड़का है जिसने मुझे प्रपोज किया था। ये क्लास का टॉपर है। भाई ये किस एंगल से क्लास का टॉपर लग रहा है? ये तो मुझे दूर से ही देखने से अपने जूतों में चिट छुपाकर आंसर छापने वाला लग रहा है। प्यार करते हो? हाँ। अच्छा, तो तुमने ये सिगरेट पी ली तो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट। और मित्रों, इनका स्टडी करियर इस हिसाब से खतरे में है ना, अपने बच्चों को पढ़ाने की उम्र में ना ये खुद ही पढ़ रहे हैं। सिगरेट पीता नहीं हूं। पियो। हाँ भाई, तू तो सिगरेट नहीं पीता, बस कुलदीप पान वाले के यहाँ बीड़ी फूंकता रहता है ना। यार अच्छी, मैं पास हो गई। अरे वाह, माई तुम पास हो गए। पीछे हट, शक्ल देखी तूने अपनी? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। शक्ल दीदी, उसकी शक्ल ना मुझे आपके करंट बॉयफ्रेंड से ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं तुझसे प्यार करूंगी, यूज किया है मैंने तेरा, निकल अब। और भाई कोई इन्हें ये बताओ, प्यार शक्ल देख के नहीं होता? क्या मतलब प्यार पैसा देख कर होता है? हेलो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तुम मिल सकते हो मुझसे? अच्छा ठीक है, मिल लूंगी। कौन है? वरुण यार, मिलने को बुला रहा है। ठीक है। अब ये कौन सी प्रजाति का बॉयफ्रेंड है जो अपने गर्लफ्रेंड को पराए मर्द के साथ मिलने को भेज रहा है? जन्मदिन मुबारक हो। नहीं नहीं, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात का? अरे भाई इतना सैड क्यों हो रहा है? मतलब इस आशिक के हालात देखकर तो इसे भी शर्म आ रही होगी। भाई तुम इसकी हालत देखो, ये तो कुछ नहीं है, दिन में अपने बाथरूम के अंदर ये तो इससे भी ज्यादा खराब हालत में रहता है, समझ रहे हो? पर भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इस छपरी के ऊपर किस चीज का पानी गिर रहा है, बाथरूम के नल का या फिर इसके शौचालय का? नहीं नहीं भाई, तुम साइड के ब्रश देख कर तो समझ ही गए होगे। नहीं भाई, बात तो तुम्हारी सही है, बट हम ना मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे पास आपकी तरह हेडफोन नहीं होते, हमारे पास ना वो 80 हजार के शूज। अबे 80 हजार के शूज नहीं भाई, 80 रुपए वाले ईयरफोन जिसे हम 10 बार घुमाते हैं तब जाके वो चलता है। नहीं नहीं भाई, पहले कोई मुझे ये बताओ, ये कौन से लोग हैं जो घर में गाना सुनते समय चश्मा लगा लेते हैं और फिर ये लोग अपना ऐसे हिलाते हैं? अरे मेरे भाई अपना सर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आपके हम संवरने लगे। दीदी आप किस एंगल से संवर रही हो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लग रहा, ये जो आप नीचे झुक रही हो ना, मुझे तो आपके इरादे कुछ ठीक ही नहीं लग रहे। देख के आपको। और मुझे आपके ऊपर थोड़ा भरोसा भी है ना, तो भाई तुम इस बंदे की शक्ल देख लो। नहीं नहीं भाई, आगे तो तुम खुद ही समझदार हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहले वो लोग दूर हो जाए जिनको भाई की किस्मत देखकर जलन हो रही है। अगर क्यों आँखों में काजल बदल गया तमन्ना। ये जो तू अपने दांत इतने ज्यादा फाड़ रहा है ना, यहाँ कोलगेट का प्रमोशन नहीं चल रहा है, और बाल तो इसके ऐसे हो रखे हैं मानो किसे कौवे ने हग दिया हो। दीदी तो कम से कम फुल प्यार वाली फीलिंग में तो है, पर ये बंदे की नजर तो कैमरे से हट ही नहीं रही। क्या मतलब उसकी साली वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? ओके, सो आपको क्या लगता है कि शिजो को किसे चूज करना चाहिए, नोबिता, सुनियो? आई थिंक आई एम बेटर ऑप्शन। हाँ भाई, अगर इसकी जगह कोई लड़का क्वेश्चन पूछने आता ना, तब तो तेरे पास एक सेकंड का भी टाइम ना होता। अभी वो सातवीं फेल, जितना बोला गया है ना उतना ही बता, क्यों फालतू में दिमाग लगा रहा है? ओके बाय। एनी यस, बिकॉज़ आई एम हैंडसम, आई एम स्मार्ट एंड व्हाट इज यू वांट? हाँ भाई, माना तू बहुत हैंडसम है, बट जो लोग अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं ना, उन्हें हैंडसम नहीं कहते हैं।